दोस्तों आज के इस वीडियो में काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है और न्यूज सुनने के बाद आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कौन सा न्यूज सबसे अच्छा लगा। BSNL के ऊपर कुछ न्यूज है, भारतीय एयरटेल का नेटवर्क इंप्रूवमेंट के ऊपर कुछ न्यूज है और व्हाट्सएप की तरफ से कुछ न्यूज है। अगर आपको यह सब कुछ जानना है तो जरूर से वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, प्लीज स्किप मत कीजिए। वेट थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद यार स्किप करने के लिए दूसरा वीडियो है, ये वाला वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन को बजा लीजिएगा। हाउएवर हम लोग ऐसे सब्सक्राइबर अभी नहीं चाह रहे, ज्यादा काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया है, हम लोग अभी एक्चुअली नहीं चाह रहे कि कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, तो हम लोग ये आसपास पे दिखा रहे हैं, बोल भी लेंगे कभी कभी, लेकिन सब्सक्राइब मत कीजिएगा चैनल को। जेन्युइन टेलीकॉम न्यूज हम देते हैं यहाँ पे, लेकिन सब्सक्राइब मत कीजिएगा। एनी फर्दर डिले, मैं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे उत्सव रॉक्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं BSNL के बारे में। BSNL अभी इंडिया में काफी मुश्किलों से जा रहा है, इसके बारे में इंडिया के बच्चा बच्चा भी जानता है। BSNL को गवर्नमेंट ने इंडिया के जो टैक्स पेयर्स है उसका पैसा खर्चा करके उनको रिवाइव किया गया और सभी को ये पता है कि अगर BSNL अपना 4G लॉन्च नहीं करता है तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया या फिर वी के साथ 4G के बिना वो कम्पीट कर ही नहीं पाएगा। और उस जगह पे BSNL प्लान कर रहा था कि अपना वो हाइब्रिड 4G लॉन्च करेगा। अब ये हाइब्रिड 4G का क्या मतलब हुआ, मतलब दवाई ववाई इंजेक्शन लगा के 4G लॉन्च किया जाएगा? नहीं, हाइब्रिड 4G का मतलब हुआ कि जो 4G लॉन्च होगा वहाँ पे फॉरेन वेंडर्स और इंडियन वेंडर्स एक साथ काम करेंगे। 57,000 टावर्स पे फॉरेन वेंडर्स काम करेंगे और 50,000 टावर्स पे इंडियन वेंडर्स काम करेंगे। इंडियन वेंडर्स जो काम करेंगे, अगर वो फॉरेन वेंडर्स जब काम करे उसके अंदर वो POC यानी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर वो सबमिट कर देते हैं तो वो 57,000 टावर्स पे जो फॉरेन वेंडर्स काम करे उसके साथ वो काम कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको यार उत्सव ये क्या मतलब खिचड़ी तुम बोले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? समझने की बात जो है कि इसके लिए उनको चाहिए था परमिशन जो उनको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी BSNL का 4G लॉन्च के ऊपर ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और उससे ये लग रहा है कि BSNL का 4G लॉन्च और थोड़ा सा देरी हो सकता है, तो और थोड़ा लेट हो रहा है। अगला जो अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने ले लिया है कंप्लीटली यू टर्न, मतलब फुल स्टीयरिंग घुमा के पीछे की साइड वो जा रहा है। यानी व्हाट्सएप ने इसके पहले अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने दिया था और वहां पे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो व्हाट्सएप में आपका जो फीचर्स आपको मिलता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आपको लिमिटेड फीचर्स वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी व्हाट्सएप ने ले लिया है यू टर्न, मतलब अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको जितने जो जो आपको फीचर्स व्हाट्सएप में इसके पहले मिल रहा था वैसे ही फीचर्स मिल रहा है। बाय द वे, क्या आपने वो एक्सेप्ट कर लिया? अगर आप मेरी बात कहो, मुझे एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसे मुझको सडनली नोटिफिकेशन दिखा दिया कि बाय मिस्टेक मुझसे एक्सेप्ट हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं एकदम सी बन गया उसमें, मतलब नहीं करना था एक्सेप्ट बट बाय मिस्टेक मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या है, एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको जाके तो रिवोक नहीं कर सकते, जो भी है। अब व्हाट्सएप का ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं चलिए भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल देने वाला है या फिर अभी दे रहा है बेटर नेटवर्क। थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में बताता हूँ, जो अगर आपको समझ में नहीं आता है नो प्रॉब्लम, उसके बाद सिंपल तरीके से वो चीज बताऊंगा। टेक्निकल चीज है कि भारतीय एयरटेल ने ऐड कर लिया है 10 MHz ऑफ स्पेक्ट्रम आसाम के 2300 MHz फ्रिक्वेंसी बैंड में और एट प्रेजेंट वो 73.45 MHz के स्पेक्ट्रम अक्रॉस वेरियस बैंड इंक्लूडिंग 2300, 2100, 900 और 800 बैंड में वो होल्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने जो स्पेक्ट्रम है उसको और थोड़ा सा बढ़ा लिया है, थोड़ा और एक्सपेंड किया है। इसके वजह से आपको आसाम में भारतीय एयरटेल का नेटवर्क अच्छा मिल सकता है, ये भारतीय एयरटेल क्लेम कर रहा है। लेकिन अगर आप आसाम से हो, अगर आप भाई उधर से देखते हो, ताले टू कमेंट से लिखो कैसा नेटवर्क आपको मिल रहा है आसाम में, और गुजरात में भी उन्होंने ऐसा किया है, तो अगर आप गुजरात से भी हो तो आप जरूर से
लिखिएगा अभी जिस तरह से नेटवर्क हो रहा है उससे लोग 40 रुपया 50 रुपया महीने का ज्यादा देने में उनको दिक्कत है नहीं, अगर उनको अच्छा स्पीड और नेटवर्क मिलता है। मैक्सिमम लोग ही वैसे ही अपना कनेक्शन चलाते हैं। अगर आप भी हो, मैं तो हूँ कि अगर 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया महीने का ज्यादा लगे लेकिन उसके लिए अगर मुझे अच्छा नेटवर्क मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आप भी वैसा ही चाहते हो कमेंट्स में लिखिएगा। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय, स्टे सेफ।